हेलो दोस्तों, ये कंपैरिजन वाला वीडियो नहीं है। टॉपिक क्या है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों देखो, मैंने जो गौर किया वो मतलब बहुत मैंने इस बात पे सर्च किया। तो दोस्तों सवाल ये है कि भोला या सेल्फी, हवा किसकी ज़्यादा है। देखो एक सिंपल बात है, भोला को आने में वक्त है, सेल्फी अभी एक 10 दिनों में रिलीज होने वाली है, ठीक है 10-12 दिन पकड़ लो। और सेल्फी के जो दो सॉन्ग्स आ चुके हैं लगभग, भोला के दो टीजर आ चुके हैं, ट्रेलर नहीं आया है, सेल्फी का ट्रेलर भी आया है, दो सॉन्ग्स भी आए हैं। फिर भी जो हवा भोला की ज़्यादा दिख रही है, लोगों की एक्साइटमेंट, इवन अब दोनों भी रीमेक है भाई, जो सच है वो सच है, रीमेक दोनों भी है, तो भी क्योंकि पास तो सेल्फी है तो सेल्फी की वो हाइप दिखनी चाहिए। पर वो जो हाइप है ना, वो भोला की क्यों ज़्यादा दिख रही है, उसके पीछे कुछ रीज़न्स है, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ यहाँ पे। रिमेंबर अभी तक एक भी सॉन्ग आया नहीं है भोला का। तो ऐसा क्यों हुआ कि मतलब कहाँ पे अक्षय कुमार के फैंस का क्या यहाँ पे गलती है उनकी, या फिर ऐसा क्यों हुआ कि वो हवा नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। देखो सॉन्ग्स तो आ रहे हैं, अक्षय कुमार की प्रमोशन बहुत तगड़ा चल रही है, इवन अजय देवगन के भी प्रमोशन बहुत जोरों शोरों से चल रही है अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो प्रमोशन में किसी का भी कोई कमी नहीं है, और मूवी के बजट दोनों के भी हाई है, नो डाउट एट ऑल। तो भाई तो कहाँ पर कमी रह जा रही है, तो भाई उसके पीछे एक रीज़न है, जो फैंस का सपोर्ट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। अक्षय के भी फैंस बहुत है, अजय के भी फैंस बहुत है, लेकिन जो लॉयल्टी है ना, हम बोलते हैं एक लॉयल फैंस, यहाँ पे मैं जो जितना देख पा रहा हूँ, जो निगेटिविटी अक्षय कुमार के अगेंस्ट कुछ लोग कंस्पिरेसी कर रहे हैं, या ज़्यादा ही कुछ एक निगेटिविटी उसको शेयर देने की कोशिश कर रहे हैं, अक्षय के जो फैंस है ना, उस निगेटिविटी को वो डिफेंड नहीं कर पा रहे, उन्होंने करना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आपके एक्टर को बेवजह कोई बदनाम करना चाहता है, या फिर ये दिखाना चाहते हैं कि सिर्फ वो पैसे के लिए काम करता है, तो आप लोगों पे है कि मूवी का हाइप बढ़ाना आप पर है। ये नहीं कि भाई वो एक्टर को बेवजह डिफेंड करते रहो, कोई ज़रूरत नहीं आपको किसी को एक्सप्लेनेशन देने की कौन पैसे के लिए काम कर रहा है कौन नहीं, सब पैसे के लिए ही काम करते हैं, ओके। आपको वो नहीं करना है, आपको डिफेंड नहीं करना है अक्षय को, आपको उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है, जैसे शाहरुख फैंस ने किया था पठान के वक्त, प्रमोशन किया था जोरों शोरों से, शाहरुख जी ने उनको पैसे नहीं दिए थे, समझे। अक्षय का भी आप वो मत करो कि भाई नहीं पैसे मिलेंगे तो ये हम कुछ करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं आपको कुछ करने की। जैसे अजय के फैंस जो भोला को प्रमोट कर रहे हैं, दृश्यम 2 का प्रमोशन हुआ था, पठान के फैंस ने, अगर शाहरुख के फैंस ने पठान को प्रमोट किया था, अक्षय कुमार के फैंस जो है ना, जिस दिन ये समझ जाएंगे कि भाई एक्टर का प्रमोट करना कुछ नहीं होता है, हमें भी पर्सनली कुछ करना चाहिए, अगर वो करेंगे तो डेफिनेटली वो सक्सेसफुल एक तरीके से अक्षय कुमार हो सकता है। अब कैसे हो सकता है, सिंपल बात है, जैसा कि मैं बार बार बोलते आया हूँ, आप फैन पेजेस बनाओ, आप इंस्टाग्राम फेसबुक वहाँ पर पेजेस बनाओ, टैग्स करो, यूट्यूब पे वीडियोस बनाओ, जितना आपकी तरफ से हो सके वो करना। और बाद में अगर मूवी नहीं चली वो भाई लक पर भी है थोड़ा बहुत, तो अब तो भी इतना भी आपने मेहनत की और तो भी मूवी नहीं चली, तो आप अपने आप को एटलीस्ट कोस नहीं सकते, और इनफैक्ट एटलीस्ट आपको एक तसल्ली तो होगी कि भाई आपने ट्राई तो किया। और एक वन ऑफ द सेकेंड रीज़न जो लोग ध्यान नहीं देते, देखो क्वांटिटी दोनों भी दे रहे हैं, अजय देवगन भी क्वांटिटी ज़्यादा दे रहे हैं, अजय देवगन भी बार बार मूवीज़ में आ रहे, अक्षय कुमार भी आ रहे, और देखो लेकिन क्वालिटी मैटर करती है। देखो थैंक गॉड जैसी मूवी जब अजय देवगन ने लाई ना, वो फ्लॉप गई, करेक्ट है। दृश्यम 2 अच्छी गई, देखो रीमेक है भाई, दोनों भी आजकल रीमेक पे ही चल रहे हैं, दोनों के अब बहुत सा बॉलीवुड रीमेक पे ही चल रहे हैं, वो अब इग्नोर करो कि रीमेक है ये है वो, क्योंकि फिर तो किसी का भाई किसी की जान भी रीमेक है, शहजादा भी रीमेक है, सेल्फी है, भोला है, रीमेक पे रीमेक ही बॉलीवुड कर रहे हैं वो, उसको अब छोड़ दो। तुम्हारे एक्टर को अगर तुमको चढ़ाना है तो तुम्हें पर्सनल प्रमोशन करना पड़ेगा, और मुझे अजय देवगन के फैंस के मामले में वो दिख रहा है, वो प्रमोशन मैं अगर ओवरऑल देखूँ ना, मैंने जितना भी ऑब्जर्व किया, उन ऑब्जर्वेशन में मुझे देखने को मिला कि अजय देवगन के फैन पेजेस ने भोला के फैन पेजेस बनाए हैं, सेल्फी के भी कुछ है, मतलब मैंने जब से बोला है 3-4 पेजेस मुझे बाद में देखने को मिले इंस्टाग्राम पे, बहुत से देखने को मिले, लेकिन मैंने जो मेरी तरफ से देखा ना,
अजय देवगन के फैन फॉलोइंग जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, देखो आप ऑनेस्टली बोलूँ तो इंस्टाग्राम पे फैन फॉलोइंग अक्षय कुमार की बहुत तगड़ी है। उस अकॉर्डिंग ना जितनी फैन फॉलोइंग है उतनों ने अगर सेल्फी का प्रमोशन करना शुरू कर दिया ना भाई, तो ये मूवी हाई लेवल हाइप क्रिएट करेगी। लेकिन वो क्लियरली नहीं दिख रहा है मुझे, जितने उसके फैंस हैं उस अकॉर्डिंग ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है यार मुझे। वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा अक्षय के फैंस ही उसके लिए कभी कभी नहीं करते सपोर्ट ना, वो बहुत बुरी बात है। आप अपने एक्टर को डिफेंड करने की आपको ज़रूरत ही नहीं चाहिए। जैसे आप साउथ इंडस्ट्री देख लो, अगर कोई किसी के फ़ैन है ना, वो उनके लिए बहुत कुछ फ़ैन पेजेस वगैरह क्रिएट करते रहते, उनकी मूवी की अगर आप देखो प्रमोशन अलग करते रहते। वैसे शाहरुख के फैंस ने किया था इस बार, वैसे ही दिख रहा है अजय के फैंस का अभी से ही शुरू। भोला को तो बहुत वक्त है आना, सेल्फी को लगभग 12-13 दिन है, और आप अभी भी मुझे ये बताना पड़ रहा है आपको। ये बिग रीज़न है कि सेल्फी को क्यों अभी तक, देखो बड़े मियाँ छोटे मियाँ को प्रमोशन की ज़रूरत नहीं, उसका हाइप अभी से क्रिएट है, अभी से बोल रहा हूँ मैं। तो सेल्फी इतना जल्दी आ रही है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, भोला इतना लेट आने वाली है, तो भी उनका हाइप, मतलब अक्षय की अगर मैं अक्षय से कंपेयर करूँ तो सेल्फी का उस टाइप से देखने को नहीं मिल रहा है जो बड़े मियाँ छोटे मियाँ का एक मुझे हाइप देखने को मिल रहा है। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा, अगर आपको सक्सेसफुल चाहिए मूवी तो आपको वो करना पड़ेगा जो अजय देवगन के फैंस कर रहे हैं। बाय द वे भोला की अगर बात करूँ, भोला का प्रमोशन तगड़ा चल रहा है, अभी से ही चल रहा है। एनीवेज यहाँ पे अब कंपैरिजन नहीं चल रही है, मैंने एक अंदाज़ा आपको बोला। आपका क्या कहना है ज़रूर बताइए दोस्तों, आप अक्षय के फ़ैन हो, अजय के फ़ैन हो या न्यूट्रल फ़ैन हो, आपका क्या कहना है ज़रूर बताइए। भोला कैसी जा सकती है और सेल्फी कैसी जा सकती है, रीमेक दोनों भी है ये सच है, ये आप भूल नहीं सकते। शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अक्षय फैंस ज़रा गौर से वीडियो शेयर कीजिए ज़रूर, आपके लिए शायद ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। थैंक यू।